आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि आप बैंक ऑफ बड़ौदा की मोबाइल बैंकिंग घर बैठे कैसे एक्टिवेट करेंगे। इसके लिए ना तो आपको ब्रांच विजिट करना पड़ेगा और ना ही आपको एटीएम मशीन पर जाना पड़ेगा। आप घर बैठे अपने मोबाइल फोन से बैंक ऑफ बड़ौदा की मोबाइल बैंकिंग बीओबी वर्ल्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि बैंक ऑफ बड़ौदा की नेट बैंकिंग कैसे आप इस्तेमाल करेंगे घर बैठे, कैसे इसमें आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, कैसे लॉगिन करेंगे। इसके साथ ही मैंने आपको बैंक ऑफ बड़ौदा के डेबिट कार्ड का पिन घर बैठे कैसे जनरेट करना है ये सब वीडियो बना के दिया है। अगर वो सब वीडियो आपको देखना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। बने रही इस वीडियो में तक, मैं आपको डिटेल्स में दिखाने वाला हूँ कि आप बैंक ऑफ बड़ौदा की मोबाइल बैंकिंग फर्स्ट टाइम कैसे एक्टिवेट करेंगे, कैसे इसमें आपको फर्स्ट टाइम लॉगिन करना है और कैसे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गाइस, मैं हूं नीलेश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सुपर टेक्नोलॉजी में आप सभी का स्वागत। चलिए शुरू करते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा का न्यू मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है बीओबी वर्ल्ड। जो इनका मोबाइल बैंकिंग पहले वाला था उसको इन्होंने प्ले स्टोर से हटा दिया और नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है बीओबी वर्ल्ड। आपको प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लेना है और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे है इसमें आपको रजिस्ट्रेशन करके फर्स्ट टाइम लॉगिन करना है। जैसे आप ओपन करेंगे परमिशन मांगेगा, परमिशन आपको अलाउ करना है। जैसे आप परमिशन अलाउ करेंगे तो यहाँ पर इस तरीके से स्क्रीन आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपनी प्रीफर्ड लैंग्वेज चूज करनी है कि कौन सी लैंग्वेज में आप मोबाइल ऐप को इस्तेमाल करना चाहते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि कई सारी आपको लैंग्वेज मिल जाएंगी, स्क्रॉल करके यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इंग्लिश ही सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद यहाँ प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर प्रोसीड करेंगे। यहाँ पर इनके कुछ फीचर हाईलाइट किए गए हैं। फास्ट यहाँ पर रहेगा, इंस्टेंट अकाउंट ओपनिंग है। इसके साथ ही यहाँ पर देख सकते हैं फास्ट एंड सेफ बैंकिंग है। इसके साथ ही वन प्लेस फॉर ऑल योर बैंकिंग नीड्स, यहाँ पर बैंकिंग की जितनी भी नीड्स होती हैं यहाँ पर आपको मिल जाएगी। इसको आप स्किप वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहीं से आप डिजिटल सेविंग अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं और यहीं से आप मोबाइल बैंकिंग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लॉग इन टू बीओबी वर्ल्ड वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। परमिशन मांगेगा, परमिशन आपको अलाउ करना है। बाद यहाँ पर आपको सिम सेलेक्ट करना है, जो मोबाइल नंबर आपका बैंक में रजिस्टर्ड रहेगा। और यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपके मोबाइल नंबर से एसएमएस सेंड किया जाएगा वेरिफिकेशन के लिए। आपके मोबाइल नंबर पर 1.5 रुपये का बैलेंस होना चाहिए। अगर बैलेंस नहीं है तभी कंडीशन में आपका एसएमएस पैक रहना चाहिए। यहाँ पर आपको कंफर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने इस तरीके से स्क्रीन आ जाएगा, वेरीफाई योर मोबाइल नंबर। यहाँ पर वी हैव रिसीव्ड एन एसएमएस फ्रॉम दिस नंबर, इस नंबर से एसएमएस सेंड हो चुका है, तरीके से स्क्रीन आ जाएगा। यहाँ पर आपको रेफरेंस्ड आईडी मिल जाएगा, आपके मोबाइल नंबर पर एसएमएस सेंड किया जाएगा। यहाँ पर आपको थोड़ा वेट करना है, ओटीपी ऑटोमेटिक यहाँ पर डिटेक्ट कर लेगा जैसे आपके नंबर पर ओटीपी आएगा। अब यहाँ पर आपको वेरीफाई ऑप्शन पर क्लिक कर दें। जैसे आप वेरीफाई करेंगे तो यहाँ पर रजिस्टर फॉर मोबाइल बैंकिंग आ जाएगा। सबसे ऊपर आपका मोबाइल नंबर रहेगा, नीचे यहाँ पर आपका कार्ड का डिटेल और आपका अकाउंट नंबर। यहाँ पर आपको टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है, प्रोसीड वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। बाद यहाँ पर आपको अपना अकाउंट नंबर और डेबिट कार्ड का यहाँ पर कुछ डिटेल फिल करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अकाउंट नंबर देना है, यहाँ पर हम अकाउंट नंबर देंगे। और उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे साइड मिल जाएगा लास्ट 6 डिजिट ऑफ योर डेबिट कार्ड। तो आपके डेबिट कार्ड का लास्ट 6 डिजिट का यहाँ पर आपको नंबर डालना पड़ेगा। नीचे मिलेगा वैलिड थ्रू, तो यहाँ पर वैलिड कब तक है, तो यहाँ पर आप वैलिड डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप नीचे साइड आएंगे, यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ सबमिट वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन आपका सक्सेसफुल हो जाएगा। यहाँ पर आपको एक्टिवेशन की सेंड किया जाएगा जो 4 डिजिट का होता है, 6848। देख सकते हैं हमारे नंबर पर आ गया है, इस नंबर को डालेंगे। उसके बाद यहाँ प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको अपना ट्रांजेक्शन पिन सेट करना होता है, यहाँ पर आप अपने मन से ट्रांजेक्शन पिन सेट करेंगे। और उसके बाद यहाँ नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको लॉगिन पिन सेट करना होगा, तो यहाँ पर आप अपने मन से लॉगिन पिन सेट करेंगे। और यहाँ पर आपको सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। देख सकते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन आ गया है, नीलेश गुप्ता आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो चुका है। नीचे आप प्रोसीड टू लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको लॉगिन पिन डालना होता है और जब भी आप कोई ट्रांजेक्शन करेंगे तो आपको ट्रांजेक्शन पिन डालना पड़ेगा। जैसे लॉगिन पिन आप डालेंगे तो बैंक ऑफ बड़ौदा के बीओबी वर्ल्ड मोबाइल बैंकिंग में आप लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद इस तरीके से डैशबोर्ड आपके सामने रहेगा। सबसे ऊपर सेविंग अकाउंट रहेगा, आपका अकाउंट नंबर, यहाँ पर बैलेंस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर आप अपने अकाउंट का बैलेंस चेक कर सकते हैं। नीचे यहाँ व्यू ऑल अकाउंट पर क्लिक करके आपके जितने भी अकाउंट रहेंगे, सेविंग अकाउंट, डिपॉजिट अकाउंट, करेंट अकाउंट या फिर एफडी अकाउंट, लोन अकाउंट, तो यहाँ पर आपके सामने शो हो जाएंगे। क्रेडिट स्कोर पर चेक करके यहाँ सिविल स्कोर चेक कर सकते हैं। यहाँ पर बीओबी वर्ल्ड पर क्लिक करके यहाँ पर बेनिफिट वगैरह देख सकते हैं, होटल बुकिंग कर सकते हैं, यहाँ पर काफ़ी सारी आप बुकिंग वगैरह कर सकते हैं। ट्रांसफ़र पर क्लिक करके यहाँ से फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं, पासबुक चेक कर सकते हैं, डिजिटल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सर्विस रिक्वेस्ट का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पर चेकबुक के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं, अकाउंट स्टेटमेंट के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आधार अपडेट कर सकते हैं, नॉमिनेशन यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं। यहाँ पर आप बैंक ऑफ बड़ौदा की मोबाइल बैंकिंग बीओबी वर्ल्ड से आप अपने अकाउंट को काफ़ी हद तक मैनेज कर सकते हैं।
यहाँ पर और भी ऑप्शन मिलेंगे शॉप एंड पे का, तो यहाँ पर आप बिल पेमेंट वगैरह कर सकते हैं। देख सकते हैं कि आपको सभी तरीके के बिल पेमेंट मिलते हैं, यहीं से आप यूपीआई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके साथ ही यहाँ पर आपको स्कैन एंड क्यूआर कोड का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर किसी के क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। कार्ड्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से आप डेबिट कार्ड को मैनेज कर सकते हैं, आप अपना डेबिट कार्ड रीइशू कर सकते हैं, डेबिट कार्ड का पिन जनरेट करना है पिन जनरेट कर सकते हैं, ब्लॉक करना है अनब्लॉक करना है, डी लिंक करना है कार्ड को तो यहाँ से कर सकते हैं। मोर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से आप रिचार्ज बिल पेमेंट कर सकते हैं, चेक को स्टॉप कर सकते हैं, ट्रांजेक्शन की हिस्ट्री चेक कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप अपने अकाउंट को काफ़ी हद तक मैनेज कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप बैंक ऑफ बड़ौदा की मोबाइल बैंकिंग बीओबी वर्ल्ड में आप फर्स्ट टाइम लॉगिन करके इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप दोस्तों कि छोटा सा वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। मन में कोई डाउट या प्रॉब्लम है तो नीचे आप कमेंट्स कर सकते हैं और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके वहाँ भी मैसेज कर सकते हैं, नीलेश 094। फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक लीजिए, टेक केयर।